भंसाली की आने वाली फिल्म यानी गंगूबाई की बात करें तो रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि इस फिल्म के लिए फाइनल कर लिया गया है रणबीर कपूर को भी। जी हाँ, आलिया भट्ट के साथ साथ इस फिल्म में रणबीर कपूर को फाइनल करने की भी खबरें आई थी। ऐसी खबरें आई थी कि रणबीर कपूर इस फिल्म में कैमियो रोल अदा करेंगे और साथ ही साथ इस फिल्म में वो व्यापारी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन रिसेंटली एक ऐसी अपडेट आई है जो रणबीर कपूर के फैंस को चौंका सकती है, क्योंकि रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के लिए मना कर दिया है। वेल, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली की किसी फिल्म के लिए मना किया हो। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है जब रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली के दिए गए ऑफर्स को मना किया है। वही अगर हम रणबीर कपूर और संजय लीला भंसाली की बात करें तो रणबीर कपूर की करियर की पहली फिल्म जो है वो संजय लीला भंसाली के साथ ही आई थी, यानी सांवरिया फिल्म जो है रणबीर कपूर की संजय लीला भंसाली के साथ आई थी। ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, शायद इसी के चलते रणबीर कपूर संजय लीला भंसाली के किसी प्रोजेक्ट को हाँ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ रणबीर कपूर नजर नहीं आए थे, लेकिन अब ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि हो सकता है संजय लीला भंसाली के साथ काम करे रणबीर कपूर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है और रणबीर कपूर ने मना कर दिया है गंगूबाई फिल्म के लिए। वहीं गंगूबाई फिल्म की बात करें तो उसमें गंगूबाई के कैरेक्टर के लिए आलिया भट्ट को फाइनल किया गया है। इससे पहले ये रोल प्रियंका चोपड़ा निभाने वाली थी। गंगूबाई की बात करें तो गंगूबाई जो है गमाटीपुरा की एक फीमेल सेक्स वर्कर के जो ग्रुप को चलाती थी उनको मैडम के नाम से जाना जाता था, यानी प्रोस्टिट्यूशन चलाती थी गंगूबाई। और गंगूबाई का जो किरदार है वो निभाने वाली है आलिया भट्ट। अब देखना ये होगा कि आलिया भट्ट इस कैरेक्टर को कैसे प्ले करती हैं। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म की तो इस फिल्म को जैसा कि हम जानते हैं संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा जब आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली पहली बार एक साथ काम करते हैं तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं।